आज हम लोग करेंगे चूना का परीक्षण करेंगे कि चूना अम्लीय होता है कि क्षारीय। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या चाहिए, लिटमस पेपर, ब्लू और रेड दोनों लिटमस पेपर लेंगे और ये चूना का पाउडर है। आप लोगों को पता हो कि अम्लीयता या क्षारीयता को बताने के लिए जल का होना बहुत जरूरी है। पिछले वीडियो में हम लोग किए थे मौसमी का परीक्षण किए थे, तो उसमें तो ऑलरेडी जल था, तो हम बाहर से जल नहीं मिलाए थे, लेकिन इसमें जल नहीं मिलाए हैं और इस स्थिति में जांच करके देखते हैं कि अम्लीयता या क्षारीयता दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है। आप लोग को पता है कि चूना क्षारीय होता है तो क्या करेगा, लाल को नीला कर देगा, तो हम इसमें डाल के देखते हैं कि करता है कि नहीं करता है, और जब नहीं करे तो उसके बाद पानी डाल के देखेंगे कि करता है कि नहीं करता है। देखिए ये रेड लिटमस पेपर है, इसको डालते तो देखते हैं कि रंग परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। तो देखिए यार नहीं हो रहा है, क्योंकि ये क्षारीय है तो भाई लाल को नीला कर देना चाहिए, तो लेकिन नहीं कर रहा, नीला को डालते हैं तो ये भी नहीं कर रहा, पूरी तरह से इसको देखिए कि रगड़ दे रहे हैं, उसके बाद भी कोई रंग परिवर्तन नहीं कर रहा। इसका मतलब कि अम्लीयता या क्षारीयता को दर्शाने के लिए जल का होना बहुत जरूरी है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जल को मिलाते हैं। अब हम लोग जल को मिला दिए हैं, अब हम लोग इसमें बारी बारी से दोनों लिटमस पेपर को डालते हैं। तो देखिए इसमें हमने नीला को डाला है, तो नीला में कोई रंग परिवर्तन नहीं हुआ, नीला नीला ही रह गया। इसका मतलब ये अम्लीय तो नहीं है, क्योंकि अम्लीय रहता तो नीला को लाल कर देता। और लाल लिटमस पेपर को हम डालते हैं तो देखते हैं कि नीला करता है कि नहीं करता है, तो देख सकते हैं बिल्कुल नीला कर दिया है, रेड को नीला कर दिया है। इसका मतलब कैसा है, क्षारीय है। एक और को डालते हैं, ये भी रेड है, इसको डालते हैं, देखिए नीला कर दिया। इसका मतलब क्या होता है, चूना जो होता है से क्षारीय होता है। आप लोग बात समझ गए, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सपेरिमेंट के साथ।